हेलो गाइस, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल में नोट वीपीएन ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जानना है इसके बारे में तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से नोट वीपीएन ऐप को डाउनलोड कर देना है। इसका पूरा नाम यहाँ पर आप देख सकते हो, नोट वीपीएन सुपर अनलिमिटेड वीपीएन इसका नाम है। इसका लोगो वगैरह यहाँ पर देख सकते हो। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इसके आप रिव्यूज रेटेड देख सकते हो, 3+ इसको रेटेड मिले हुए हैं और 100K+ इसकी डाउनलोडिंग है। आपको भी डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस ऐप को ओपन करना है। ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, अंडरगो ट्रेनिंग। इस अंडरगो ट्रेनिंग पर आपको फाइनली क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर देख सकते हो, आपके सामने यहाँ पर चार तरह के ऑप्शन आते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब। इसको यहाँ से इनेबल किया हुआ है। फिर आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर फाइनली आपको क्लिक करना है। फिर आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर डन का ऑप्शन आएगा, इस डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो लोडिंग हो रहा है और लोडिंग होने के बाद आपकी ऐप है जो ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको दो तरह का ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो यूज़ ऑफ वीपीएन, आपको यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं, दो तरह के सर्वर मिलते हैं। आपको इसमें से एक सर्वर को सिलेक्ट करना है। आपको जिस भी सर्वर को कनेक्ट करना है उस सर्वर को यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए। मैंने सर्वर को सिलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कनेक्ट वीपीएन का ऑप्शन आपके सामने आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑप्शन मिलता है एनक्रिप्टेड ऑल ट्रैफिक। यहाँ पर आपको कनेक्ट वीपीएन पर क्लिक करना है। कनेक्ट वीपीएन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपके यहाँ पर लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद आपके यहाँ पर ऑलवेज अलाउ पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर ऑलवेज अलाउ पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कनेक्ट वीपीएन का ऑप्शन आ गया है और इसमें आपका वीपीएन कनेक्ट हो गया है। वीपीएन कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आता है और आपका वीपीएन फाइनली कनेक्ट हो गया है। इसमें आप अभी वीपीएन कनेक्ट होने के बाद प्राइवेट निजी कंपनी के डाटा को आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसकी सेटिंग्स वगैरह देखनी है तो इस सेटिंग्स पर क्लिक करके इसकी सारी सेटिंग्स देख सकते हो। इसमें आपको सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो सब्सक्राइब, यहाँ पर आपको ऑप्शनल, इंग्लिश लैंग्वेज, एडवांस सेटिंग्स, फीडबैक, सारी सेटिंग्स देख सकते हो। फिर इसमें आपको वीपीएन को फिर से डिसकनेक्ट करना है तो आपको यहाँ पर डिसकनेक्ट वीपीएन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। फिर से डिसकनेक्ट करने के लिए डिसकनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो अभी आपका वीपीएन सर्वर फिर से डिसकनेक्ट हो गया है। तो गाइस, आप समझ गए होंगे कि नोट वीपीएन ऐप आप अपने मोबाइल में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना।